1914, the time where everything was being invented and they all have guns and things, you know, planes. And उसका एक जन बोला, let's have a war. सबको पता था कि एक बड़ा सा वार आने वाला है, क्योंकि आने वाला है, और फ्रांस को चाहिए था टेरिटरी जो कि जर्मनी ने उसे ले गया था, और जर्मनी को चाहिए था और सा ज़्यादा टेरिटरी, इसलिए वो हो गया। और जर्मनी एक बहुत बड़ा सा नेवी बिल्ड करने वाला था, तो इसलिए ब्रिटिश थोड़ा 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 घबरा गए थे। ये दो एम्पायर सोचे थे कि ये बहुत कूल है और ये दो लोग टीम अप करना चाहते थे, और जो लोग उस एम्पायर में रहते थे उन लोग को लगता था कि ये कूल नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पर इंडिपेंडेंस नहीं मिल रहा है। और कुछ लोग इंडिपेंडेंस ले रहे थे विद द हेल्प फ्रॉम रशिया। इस एरिया में जो लोग रहते थे बोस्निया और सर्ब, ये हेट करते थे कि मैं यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी में लिव करता हूँ। तो ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर का राजा वहाँ पर गया था सारा ये वो ओपन टॉप कार में, यस ओपन टॉप कार में। उसे पता भी नहीं सोच रहा था वो कि मुझे असैसिनेशन हुआ। उसका हुआ क्या? उसका असैसिनेशन, तो असैसिनेटर्स वाले लोग वेट कर रहे थे वहाँ पर, और वो लोग एक बम फेंके थे पर वो मिस हो गया गाड़ी को, और पीछे एक ऑफिसर वाले या ऑफिसर सबको ब्लो अप कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि वो आता है, उसका बोलता है चलो उस इंजर्ड ऑफिसर लोग को देखने जाते हैं। उसका दो है बोलता है ऑफिसर को, जा रहा होता है सारे वो से, उसका उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है और उसके सामने आता है गेस कर हूँ यस ऑफकोर्स एन असैसिनेटर। उसका आता है और अपना पिस्टल लगाता है, देन बैंग, हार्स ग्रुप इज डेड। ओबियसली ऑस्ट्रिया हंगरी को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, और उनको लग रहा था कि ये सर्बियन गवर्नमेंट का काम है, विच दे माइट हैव सर्बियन गवर्नमेंट। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो ढेर सारा चीज वो उनको मांगने लगे, तो इवन सर्बिया रिफ्यूज्ड, दे डिक्लेयर्ड वार ऑन सर्बिया। सर्बिया का एलाई रशिया है, और रशिया इज फ्रेंड्स विद फ्रेंड, से दे ऑल डिक्लेयर वार ऑन ऑस्ट्रो हंगरी, एंड ऑस्ट्रो हंगरी इज फ्रेंड्स जर्मनी, से ऑल डिक्लेयर वार ऑन द अदर्स।